हमारे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार हैं, जिनमें हर त्योहार की एक अलग विशेषता है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार, जो कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का बंधन है। हमारे हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से प्रचलित एक कथा के अनुसार, जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहला भाग नाप कर धरती और पाताल को नाप लिया था। दूसरा पग उठाकर भगवान विष्णु ने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया था। तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु बलि से बोले, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वार, जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं। पर राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है, उसे सदैव पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे इस शीश पर अपना तीसरा पग धरिए, ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपा करके उठाइए अपना पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम यही चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग धरता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के सिर पर अपना पग धरा और बलि पाताल में समाता चला गया। भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया और वरदान मांगने को कहा। हे राजा बलि, तुम्हारी ये भक्ति देख कर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। हे भगवान, हे नारायण, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ यहीं रहो, पाताल लोक में। तथास्तु। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने राजा बलि की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया और राजा बलि को ये वरदान दिया। उसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु पाताल लोक में राजा बलि के साथ ही रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यंत चिंतित है। उन्हें वापस बैकुंठ लाने का कोई तो उपाय होगा? नारायण नारायण। माता, राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का वरदान प्राप्त किया था और उनसे उन्हीं को मांगा था। वैसे ही अब प्रभु को वापस लाने के लिए आपको राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगना होगा। भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। तो शीघ्र बताइए देवर्षि नारद, प्रभु के बिना ये बैकुंठ सूना है। माता, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। जब आप राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध देंगी तो वो आपसे उपहार मांगने के लिए कहेगा, तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना। हाँ, यह विचार उत्तम है। मैं अभी राजा बलि के पास जाती हूँ। अब मैं प्रभु को लेकर ही बैकुंठ लौटूंगी। नारद जी की बात से सहमत होकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक ब्राह्मणी का भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? आपने मुझे बहन बुलाया। बहन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए भैया। मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। बहन, चिंतित मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच भैया, मैं अभी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। बहन, आज से तुम मेरी बहन हो,
मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या सहायता चाहिए थी। अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूं। मुझसे अपनी परेशानी कहो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा बहन। भैया, मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं। मेरे पति के बिना मेरा जीवन सूना है। तुम्हारे पति? पर वो कहाँ हैं? कहीं किसी मुसीबत में है क्या? यदि ऐसा है तो मैं अभी अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो तुम्हारे पति को ढूंढने में लग जाएं। और मैं स्वयं तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए जाऊंगा बहन। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रक्षा सूत्र की लाज अवश्य रखेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। भैया, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ, पर मेरे पति कहीं और नहीं, यही है, साक्षात भगवान विष्णु। आप मुझे मेरा पति लौटा दो भैया। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने रूप में वापस आ गई। उन्हें अपने समक्ष देखकर राजा बलि हैरान रह गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। मेरा परम सौभाग्य है देवी लक्ष्मी कि मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। राजा बलि, तुमने भाई के कर्तव्य को भली भांति निभाया है, इसीलिए आज श्रावण मास की पूर्णिमा का ये दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। ये त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक होगा। धन्य है प्रभु, आप दोनों की जय हो। प्रभु, अब तो आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें, ताकि मैं आप दोनों की सेवा का लाभ उठा सकूं। राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुरा दिए और रक्षा बंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे। फिर वहां से वापस बैकुंठ लौट आए। इस तरह देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को फिर से बैकुंठ लोक लेकर लौट आई। तभी से रक्षा बंधन का यह पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई और खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जाने लगा। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ, मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया
और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने दो पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है, ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ, लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है, वह बोलती है, अब तुझे क्या दूँ, जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा, ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है, भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है, भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा, हे राम अब मैं क्या करूँ, और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है, प्रभु उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो, प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।